मेरा इसमें आपका अमाउंट है 2850। अब आप 95,000 में माइनस कर देंगे 2850, अमाउंट आएगा 92,150। अपन तो केस कितना मिल रहा है डिस्काउंट माइनस करने के बाद 92,150। एंटर करेंगे, टू में आ जाएगा सेल्स, क्योंकि अपन माल बेच रहे हैं। अल्टर प्लस सी से सेल्स का ले जाना है, सेल्स एकम। अंडर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट, एंटर करके सेव। अब आप इसमें अमाउंट कितना डालेंगे, इसमें आप डालेंगे पूरा 95,000, क्योंकि अपन माल कितने में बेच रहे थे 95,000। केस डिस्काउंट था जो कस्टमर ने अपन से लिया गया, उसने अपन को केस कितना दिया 92,150। अब बाय में आ जाएगा डिस्काउंट, अल्टे प्लस सी से डिस्काउंट का ले जा बना दें डिस्काउंट अकाउंट। ये डिस्काउंट सेल्स वाला है, अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें अमाउंट आ जाएगा 2850, एंटर करके सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल बेचा भुगतान में चेक मिला, माल बेचा एंट्री आपको करना है सेल्स वाउचर में। अब माल बेचा भुगतान में क्या मिला है, चेक। अगर ये चेक उसी दिन बैंक में जमा कर दे तब तो अपन बाय में बैंक लिखते, लेकिन अभी चेक अपन ने बैंक में जमा नहीं किया, तब आप बाय में क्या लिखते हैं, चेक इन हैंड। अल्टे प्लस सी से चेक इन हैंड का ले जमना लीजिए, चेक इन हैंड अकाउंट। अंडर में आ जाएगा ये आपका केस इन हैंड, एंटर करके सेव। कितना अमाउंट है 50,000। और टू में आ जाएगा सेल्स, क्योंकि अपन माल बेच रहे हैं, माल जा रहा है और चेक आ रहा है, तो बाय में आपने लिखा चेक इन हैंड, एंटर करके से। अब अपन सैलरी पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस है और अपन इसको पे कर रहे हैं, एंट्री आप करेंगे पेमेंट वाउचर F5 से पेमेंट वाउचर। अकाउंटिंग का रूल था जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब किस में आते हैं, बाय में। अल्टे प्लस सी से सैलरी का लेगा बना लें, सैलरी अकाउंट। अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके से। और टू में आ जाएगा केस, अपने पास से केस जा रहा है, तो बाय में सैलरी टू में केस, एंटर करके सेल। नेक्स्ट फुल, मोहन से माल खरीदा, माल खरीद रहे एंट्री आप करेंगे परचेज वाउचर F9 से परचेज वाउचर, यहाँ पे आप एस वाउचर सिलेक्ट कर लें। अब क्वेश्चन है, मोहन से माल खरीदा, एंट्री में पर्सन का नाम है और पर्सन के नाम क्या है, केस या चेक वर्ड का यूज नहीं है, मतलब ये एंट्री उधार की है, तो टू में आ जाएगा उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार माल खरीद रहे। अल्टे प्लस सी से मोहन के नाम का ले जाना है, मोहन अकाउंट। अंडर में आ जाएगा ये सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि अभी अपन मोहन से उधार माल खरीद रहे, इन फ्यूचर अपन मोहन को पेमेंट करेंगे, मोहन अपन से लेने वाला है, अपन से केस लेगा, लेनदार को बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे आप दे डाल देंगे कितने दिन बाद अपन मोहन को पेमेंट कर देंगे, एंटर करके सेव। अमाउंट कितना, एंटर करेंगे, यहाँ पे आप न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे और टू बाय में आ जाएगा परचेज, टू में उस पर्सन का नाम और बाय में परचेज, एंटर करके सेव। नेक्स्ट वन, चेस बैंक में जमा किया, चेस बैंक में जमा कर रहे हैं, एंट्री आप करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर F4 से कॉन्ट्रा वाउचर,
कॉन्ट्रा वाउचर में सिर्फ आपकी तीन कंडीशन मैंडेटरी होती है, बैंक में चेक जमा करने पे, बैंक से चेक निकालने पे और रखा हुआ चेक बैंक में जमा करने पे। अभी अपन बैंक में चेक जमा कर रहे हैं, अपने पास से चेक जा रहा है, ठीक है। अपन कौन है? देने वाले। बैंक कौन है? पाने वाले। अकाउंटिंग कौन है? पाने वाले को बाय करते, देने वाले को टू करते। अपन देने वाले, अपने पास से क्या जा रहा है? चेक टू में आप लिख देंगे चेक, और बैंक पाने वाला तो बाय में आ जाएगा बैंक। अल्टा प्लस सी से बैंक का लेजर बना लें, बैंक अकाउंट अंडर में आ जाएगा बैंक अकाउंट, एंटर करके सेव। एंट्री हो जाए बाय बैंक अकाउंट टू केस, एंटर करके सेव। मजदूरी और आवक गाड़ी भाड़े का भुगतान किया, पेमेंट कर रहे हैं, एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर। अब दोनों एक्सपेंसेस हैं, दोनों का नाम किस में आएगा? बाय। अल्टा प्लस सी से वेजेस का लेजर बनाते हैं, वेजेस अकाउंट अंडर में आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव अमाउंट। फिर एंटर करेंगे, अपन साथ में चेहरे इन्वर्ट पे कर रहे हैं, आप इसे यहाँ पे बाय कर दीजिए। अल्टा प्लस सी से चेहरे इन्वर्ट का लेजर बना लेंगे, ये आपका अंडर में आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव अमाउंट। टोटल अपने पास से 15,000 केस जा रहा है, तो टू में आप लिख देंगे केस कितना? 15,000, एंटर करके सेव कितना है? अब अपन और बोल, माल बेचा केस डिस्काउंट, माल बेचा भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा, एंट्री अपन करेंगे सेल्स वाउचर, यहाँ पर एस वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। माल बेच रहे हैं, चेक मिला, चेक को उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, बायर में आप क्या लिखेंगे? बैंक। कंट्रोल प्लस एन करते हैं, कितना अमाउंट? 60,000 पे 3% केस डिस्काउंट अपन ने दिया है, 60,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100, अमाउंट आ जाएगा 1800। आप 60,000 में माइनस कर देंगे 1800, अमाउंट आएगा 58,200। आप बैंक के सामने डालेंगे 58,200, टू में आ जाएगा सेल, इसमें अमाउंट आ जाएगा पूरा 60,000। बाय में आ जाएगा डिस्काउंट सेल्स वाला, इसमें अमाउंट आ जाएगा 1800, एंटर करके सेव। अपन चेक बैंक में जमा कर रहे हैं, आप एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में, F4 से कॉन्ट्रा वाउचर, अपने पास से चेक जा रहा है, तो टू में लिख देंगे चेक इन हैंड, अमाउंट डाल देते हैं 30,000। बैंक में जा रहा है, बैंक कौन है? पाने वाला। बाय में आ जाएगा बैंक।